वेलकम अचीवर्स, डियर अचीवर्स, आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ ग्रेप कमांड। ग्रेप कमांड इम्पॉर्टेंट कमांड है जो यूनिक्स और लाइनिक्स के एग्जाम में कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, और जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी ग्रेप कमांड के बारे में पता होना चाहिए। सो व्हाट इज ग्रेप कमांड? Grep command in Unix is used for searching. Searching के लिए और text को manipulate करने के लिए within files grep command को use किया जाता है। जैसे कि आप screen पर देख रहे हो, the grep command in Unix is used for searching and manipulating text patterns within files. The grep command सर्च इज ए फाइल। ग्रेप कमांड जो है वो एक फाइल में से भी पैटर्न को सर्च कर सकती है। यू कैन गिव नंबर ऑफ फाइल्स, आप नंबर ऑफ फाइल्स भी दे सकते हो ग्रेप कमांड के साथ, और वो उस रेगुलर एक्सप्रेशन को उन फाइल में से मैच करने की मतलब कोशिश नहीं मैच ही करती है, राइट? सो ग्रेप कम्स फ्रॉम ए कमांड मीनिंग टू ग्लोबली सर्च। तो ग्रेप को हम क्या बोलेंगे? ग्लोबली सर्च। Globally search for a regular expression. Right? And then print the found matches. और अगर उसमें से हमें मैच मिल जाता है तो उसको वो क्या करती है, साथ में प्रिंट भी करती है। सो ग्रेप कमांड यूज कौन करता है? इट इज यूज वाइडली बाई प्रोग्रामर्स, इसको यूज करते हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स यूज करते हैं, यूजर यूज करते हैं फॉर इट्स एफिशिएंसी एंड वर्सटैलिटी इन हैंडलिंग टेक्स्ट डाटा, क्योंकि इसके साथ हम अपने डाटा को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट इज इट्स सिंटेक्स। कई बार जो स्टूडेंट्स वाइवा के लिए जाते हैं तो उनको जो वहाँ पे टीचर्स होते हैं पूछते हैं कि हाँ जी इसका बताओ सिंटेक्स क्या है, राइट? या पेपर में क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन ग्रेप कमांड विद इट्स सिंटेक्स। तो व्हाट इज द सिंटेक्स, आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, पहले आपने कमांड का नेम देना है, दैट इज ग्रेप। उसके बाद जो स्क्वायर में लिखा हुआ है वो ऑप्शनल होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शंस आता है, फिर रेगुलर एक्सप्रेशन है, देन फाइल्स है। ऑप्शनल मीन्स आपने इसको देना है, अगर आपने ऑप्शन यूज करने हैं तो ही आप इसको यूज करोगे, अदरवाइज आप इसको अगर यूज नहीं करना चाहते, क्योंकि ये ऑप्शनल है, ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपने इसके साथ ऑप्शंस यूज करने हैं रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ तो आप दोगे, अगर आपने नहीं यूज करने तो देना जरूरी नहीं है। फिर उसके बाद फाइल्स है, फाइल्स लिखा है, ठीक है, इसके साथ आप नंबर ऑफ फाइल्स जो है वो लिख सकते हो। तो जो ऑप्शन है ये किस पर्पस के लिए यूज होता है? दीज आर द कमांड लाइन फ्लैग्स दैट मॉडिफाई द बिहेवियर ऑफ ग्रेप। ये ग्रेप के बिहेवियर को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, राइट? नेक्स्ट इज पैटर्न। आगे जाके मैं आपको ऑप्शंस दिखाऊंगी जो हम ग्रेप कमांड के साथ यूज कर सकते हैं। पैटर्न मीन्स यहाँ पे हमने अपना रेगुलर एक्सप्रेशन देना है जिसको हम पर्टिकुलर फाइल में या नंबर ऑफ फाइल्स में से सर्च करना चाहते हैं। देन फाइल, दिस इज द नेम ऑफ द फाइल और फाइल यू वॉन्ट टू सर्च विद इन। आप उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को मीन्स ये जो एक्सप्रेशन है इसको आपने किन फाइल या किन फाइल्स में से सर्च करना है वो आप मेंशन करोगे। यू कैन सर्च मल्टीपल फाइल्स फॉर साइमल्टेनियस सर्चिंग। डियर लर्नर्स, अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया है तो आप लाइक प्रेस कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो वंस अगेन मैं रिपीट करने जा रही हूँ कि अगर आपको सिंटेक्स पूछा जाता है तो आप क्या लिखोगे सिंटेक्स में? सबसे पहले आप ग्रेप कमांड दोगे, ठीक है, फिर उसके बाद आप ऑप्शंस दोगे, देन उसके बाद आप उसमें से आप अपना रेगुलर एक्सप्रेशन लिखोगे, रेगुलर एक्सप्रेशन लिखोगे, फिर उसके बाद आप जो है वो फाइल्स मेंशन करोगे, राइट?
नेक्स्ट ऑप्शंस इन ग्रेप कमांड, देर आर नंबर ऑफ ऑप्शंस, लेकिन मैं इस वीडियो में सिर्फ फोर ऑप्शंस ही डिस्कस करूंगी जो मोस्टली हमें पूछे जाते हैं. सो अगर यहाँ पे हाइफन आई दिया हुआ है, इट मीन्स इट इग्नोर्स केस फॉर मैचिंग, कि जब हमने मैच करना है पर्टिकुलर कोई पैटर्न, उसमें इग्नोर हो गए केसेस, मीन्स आपने स्मॉल केस में लिखा है या कैपिटल में लिखा है अपनी फाइल में, कहीं किसी भी मेथड से लिखा है, कोई भी आपने उसमें लेटर्स यूज करे हैं, तो ये केस को क्या करेगा, इग्नोर कर देगा. राइट जैसे कि मैं यहाँ पे लिखने जा रही हूँ कि आपने लिखा grep then hyphen i, उसके बाद आपने आपने सपोज कोई फाइल बनाई हुई है try.txt, आप कोई भी फाइल बना सकते हो, उसमें आपने पैटर्न लिखा हुआ है यूनिक्स, ठीक है. तो उस इस फाइल में अगर जो यूनिक्स है वो कैप्स में लिखा है तो भी ये सर्च करेगी, ये सर्च करेगा ऑप्शन. अगर आपने कैपिटल और स्मॉल लेटर्स मिक्स करे हैं तो भी यूनिक्स को सर्च करा जाएगा. अगर सारे स्मॉल में हैं तो सारे ही लेटर्स मीन्स उस लाइन को भी सर्च करा जाएगा. सो इट इग्नोर्स केस फॉर मैचिंग. अगर आप ये ऑप्शन दोगे, कौन सा ऑप्शन दोगे, माइनस आई या हाइफन आई, कई इसको हाइफन आई बोलते हैं, कई जगह पे इसको माइनस आई बोला जाता है, राइट. नेक्स्ट इज हाइफन सी. दिस ऑप्शन प्रिंट्स ओनली अ काउंट ऑफ द लाइंस दैट मैच ए पैटर्न. तो ये जो यूनिक्स है, अगर मैं ऐसे यूज करती हूँ दैट ग्रेप हाइफन सी, देन उसके बाद यूनिक्स, तो ट्राई में कितने लाइंस हैं जिसमें यूनिक्स ये पैटर्न, ये एक्सप्रेशन पड़ा है. अगर दो लाइंस हैं देन दिस कमांड विल रिटर्न टू, अगर थ्री हैं तो थ्री, अगर वन है तो वन लाइन जो है वो क्या होगी, रिटर्न होगी. नेक्स्ट इज हाइफन डब्ल्यू. इट मैच होल वर्ड, ये होल वर्ड को मैच करेगी. दिस ऑप्शन मैचेस होल वर्ड. देन उसके बाद आप क्या दोगे, फाइल का नेम दोगे. मैं इसको जो है वो रब करके नीचे लिख दूँ. grep hyphen w, अगर मैंने इन लिखा, ठीक है, ट्राई डॉट टी एक्स टी में बहुत, सपोज ये एक फाइल है जिसमें बहुत जगह पे यूनिक्स यूनिक्स लिखा है, लेकिन यहाँ पे हमने जो पैटर्न है, जो एक्सप्रेशन है वो क्या दिया है, इन दिया है, तो जिस लाइन में इन होगा, क्योंकि हमने होल वर्ल्ड फाइंड करना है, तो ये जो है ये ऑप्शन जो है वही लाइन रिटर्न करेगा जहाँ पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, इन पड़ा हुआ है. इट मैचेस होल वर्ड मीन्स वही वही वर्ड डिस्प्ले होंगे, उस लाइन के वर्ड डिस्प्ले होंगे जिसमें ये होल वर्ड पड़ा है. नेक्स्ट इज माइनस एल या हाइफन एल. इट डिस्प्ले लिस्ट ऑफ फाइल नेम्स ओनली. तो अगर हम यहाँ पे जो ऑप्शन है वो मैं एल यूज करती हूँ, तो जिस सब डायरेक्टरी में आप करंट
प्रेजेंट हो उस डायरेक्टरी में जितनी भी फाइल्स हैं जहाँ पे ये पूरा वर्ड यूनिक्स लिखा है, या कोई और वर्ड या कोई और पैटर्न भी लिख सकते हो, उन फाइल्स का नेम जो है वो क्या होगा, डिस्प्ले होगा। माइनस एल मीन्स इट डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ए फाइल नेम्स ओनली, उन फाइल्स का जो नेम है वो डिस्प्ले होगा जिस सब डायरेक्टरी में आप करेंटली प्रेजेंट हो। तो ये कुछ ऑप्शंस थे जो ग्रेप कमांड में पूछे जाते हैं। आई होप कि आपको इनकी नॉलेज मिल गई होगी। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल, थैंक्स अ लॉट।